अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं फराज और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल मैक्स एमी। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल स्टूडियो क्या है और कैसे आप अपने मोबाइल फोन पे हर किस्म की गेम को खेल सकते हो गूगल स्टूडियो की मदद से। तो चले गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलें गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, गूगल स्टूडियो क्या है? गूगल ने कुछ ही दिनों पहले एक अपनी नई सर्विस को लॉन्च किया है जिसका नाम है गूगल स्टूडियो। जी गाइस, 2019 में गूगल ने एक नई सर्विस का आगाज किया है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे किसी भी किस्म की कोई भी गेम खेल सकते हो बगैर किसी ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल किए बिना। जी गाइस, पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि आपको अगर कोई गेम खेलनी है, जैसे पीटीए खेलनी है, पबजी खेलनी है या कोई भी हैवी गेम खेलनी है, तो आपको पहले एक्सबॉक्स लेना पड़ता था या प्लेस्टेशन लेना पड़ता था क्योंकि वो गेमिंग उसको सपोर्ट करती थी, या कि आपको एक बहुत ही एक्सपेंसिव गेमिंग पीसी बनाना पड़ता था। और गेमिंग पीसी काफ़ी एक्सपेंसिव बनता है, 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का, 70,000 का, लाखों का भी बनता है। जो कि गेमिंग खेलते हैं उनको इस बात का आइडिया है कि गेमिंग पीसी काफ़ी महंगा बनता है क्योंकि उसमें ग्राफिक कार्ड यूज़ होते हैं जिसकी मदद से आप हैवी से हैवी गेम खेल सकते हो। तो गूगल स्टूडियो ने इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। गूगल स्टूडियो क्या करेगा? गूगल स्टूडियो यह करेगा कि आप लोगों को जो भी गेम पसंद है आपने सिंपल उसको प्ले कर देना है और अपने मोबाइल फोन पे वो गेम आपके मोबाइल फोन पे खेली जाएगी। आप इजीली उसको मोबाइल फोन पे अपने खेल सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको गेमिंग देखने का शौक होता है, गेमिंग वीडियो देखने का शौक होता है, तो वो यूट्यूब पे आते हैं। यूट्यूब पे वो गेमिंग के शौकीन होते हैं, वो गेमिंग की वीडियो देखते हैं। तो जब वो गेमिंग की वीडियो देखेंगे, जब वो वीडियो खत्म हो जाएगी तो आपको एंड पे एक स्क्रीन पेयर होगी आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जिसपे उस गेम का नाम और लिखा होगा प्ले नो। तो प्ले नो पे जब आप क्लिक करोगे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे गूगल के सर्वर के साथ, जो कि बैक एंड पे काम कर रहा होगा, वो कनेक्ट हो जाएगा आपके साथ और आप इजीली अपने मोबाइल फोन पे वो गेम खेल सकते हो। कोई भी ग्राफिक कार्ड को भी हैवी मोबाइल लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अगर एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, एप्पल का यूज़ कर रहे हो, कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप सिंपली उस पर गेम खेल सकते हो। तो आप इसको आप लैपटॉप पे कैसे यूज़ करोगे? वैसे ही सिंपल चीज़ है, आप इसको वैसे वीडियो के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हो लैपटॉप पे, अपने पीसी पे, जिस पे कोई भी आपको हैवी ग्राफिक कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल उस प्ले नो के बटन पे क्लिक करना है और आपने कनेक्ट हो जाना है गूगल के सर्वर पे। गूगल का सर्वर आप इस उस पर हर चीज़ इंस्टॉल होगी ऑलरेडी, ग्राफिक कार्ड को सपोर्टेड करेगा, उसके लिए जितनी है जीपी रैम और जितना हैवी सिस्टम उसको चाहिए होगा वो उसको आपका सर्वर आपको प्रोवाइड करेगा जो कि गूगल का सर्वर होगा। आपने सिंपल बस क्लिप गेम को प्ले करना है और उस पर खेलना है। उसके लिए आपका पीसी Pentium 3 भी होना चाहिए, Pentium 4 भी होना चाहिए। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी किस्म के ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी किस्म के प्लेस्टेशन एक्सबॉक्स की ज़रूरत नहीं है। एक्सबॉक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, प्लेस्टेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के में सोनी की, तो गूगल ने इन सब की छुट्टी करवाने वाला है क्योंकि गूगल ने गूगल स्टूडियो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसकी बकायदा ओपनिंग हो चुकी है लेकिन ये अभी बकायदा एशिया में नहीं आया, ये अभी सिर्फ मेन मेन सिटी मेन मेन कंट्रीज में आया, जैसे कि यूरोप में आया है, यूके में कैनेडा लंदन और यूएसए में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। कुछ ही टाइम बाद तकरीबन 2020 में ये एशिया में भी आ जाएगा, पाकिस्तान इंडिया में ये आप लोग इसको इजीली खेल सकते हो इसको। तो गाइस, अब क्वेश्चन आता है कि हम इस गेम को खेलेंगे कैसे, कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसके लिए गूगल स्टूडियो ने अपना एक गेम कंट्रोलर इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होगा आपके वाईफाई के साथ। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि आपके माइंड में ये बात लाजमी आई होगी यार कि हम अपनी मोबाइल फोन पे हैवी से हैवी गेम कैसे खेल सकते हैं जबकि हमारे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक चीज़ है जिसको आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है आपका स्ट्रॉन्ग वाईफाई का कनेक्शन। जी गाइस, आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग वाईफाई का कनेक्शन है
तो आप बिना कोई टेंशन लिए इस गेम को खेल सकते हो। और पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है 2025 में इजीली आपको PCL का अच्छा इंटरनेट मिल जाता है। तो आजकल काफी प्राइवेट कंपनीज भी आ गई है जो कि 1500 1000 में भी आपको अनलिमिटेड और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं। तो गाइज आप कोई भी इंटरनेट ले लो, लेकिन उसका जो कनेक्शन है वो काफी स्ट्रोंग होना चाहिए, वो लो पुअर कनेक्शन नहीं होना चाहिए। पहली शर्त है और पहली और आखिरी, उसके अलावा कोई गूगल की सर्च वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है इस गेम को खेलने के लिए। तो बात थोड़ी सी गेम कंट्रोलर की, तो गूगल ने अपना गेम कंट्रोलर इंट्रोड्यूस करवाया जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा आपके वाईफाई के साथ, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा आपके मोबाइल फोन के साथ या लैपटॉप के साथ या आपके PC के साथ। जब आप गेम प्ले करोगे तो ऑटोमेटिक कंट्रोलर काम में करने में आ जाएगा, तो आप उसको की मदद से अपने अपनी गेमिंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइस गेमिंग की दुनिया में ये बहुत ही बड़ा अच्छा स्टेप है गूगल का, जिसका नाम इसने रखा है गूगल स्टूडियो। तो गूगल स्टूडियो की मदद से काफी ज्यादा कंपनियों को नुकसान भी होने वाला है, जैसे कि सोनी का प्लेस्टेशन बिकना बंद हो जाएगा, एक्सबॉक्स बिकने बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोग अपने मोबाइल फोन पे ही इजीली बिना किसी ग्राफिक कार्ड के बिना कोई हैवी सिस्टम लिए ये सब गेमें खेल सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल फोन पे। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह।